हम आप कार्यकर्ता अपने आप को तभी कह सकते हैं जो पार्टी हमें निर्देश देती है और हम उस निर्देश को मानते हैं, तभी आप अपने आप को उस परिवार का हिस्सा समझते हैं। ये परिवार के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों ने दिन प्रतिदिन जो रोष व्यक्त किया, और कल भी जो मेरे भाई सरपंच भी थे उन्होंने भी कहा कि हम ये टिकट बदली जाए तो हम नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। और जो मेरे साथ मेरे सज्जन जिनका मैं आप सबके सामने जो बड़े बहुत बड़े सिख चेहरे भी हैं, मेरे बड़े भाई सत्कार योग भी हैं, वो सभी मेरे सत्कार योग हैं। जैसे हरपाल सिंह जी चीका साहब हैं, अवनीत वडैत जी हैं, वडैत साहब का जी नाम अवनीत तरनजीत वडैत जी हैं, और मैं मनदीप सिंह विर्क साहब हैं, और भी इसी तरह काफ़ी टिकटार्थी जो सिख टिकटार्थी भी हैं, नवाब सिंह संधू जी हैं मेरे भाई, 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, वो सभी इस लाइन में थे और मैं भी इस लाइन में था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मेरे सिख चेहरे थे इन्होंने जो विरोध किया तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट यहाँ लगी है। और उससे बड़ी चोट मुझे लगी कि मैंने अपने ज़िंदगी के 30 साल सिख कौम को दिए हैं। आपने देखा होगा कि अपने ज़िंदगी के 30 साल सिख कौम की सेवा नु दिते ने। चलो सेवा करते कहीं गलती भी हो जाती होगी, वो भी मैं बड़ी अपने आप को उस बात को लेके जाता। अभी जो 8 तारीख को हमारा सिख सम्मेलन हुआ है, वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे सिखों को राज्यसभा में भेजो, हमारे सिखों को लोकसभा में भेजो, विधानसभा में भेजो, लेकिन जब अजराने का नाम आया तो बड़ी एक तड़प सी महसूस मैंने की है। जो वहाँ भी नेता थे, जैसे मेरा बड़ा छोटा भाई ओलख है, उसने बड़ा बयान दिया, जैसे मैंने उससे समर्थन मांगा हो। मैंने उसको कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे को समर्थन कर, ऐसा हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है कौन कितने पानी में है, हमें पता है। लेकिन बहुत दुख लगा जब उन्होंने छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा, पता नहीं किसी ने क्लिप डाल दी भाई जो हमें सम्मानित करेंगे, वो अपने आप ही डलवा दी, और अपने आप इसका पहले तो डलवा दी कि वहाँ 8 तारीख को अजराना आएंगे, वहाँ सम्मानित करेंगे, फिर कहा कि नहीं हम अजराना को नहीं मानते। भाई मेरे को बताओ, आपको लगता नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ? मैं अमृतधारी सिख हूँ और अपनी कौम को समर्पित हूँ, श्री अकाल तख्त साहब को समर्पित हूँ, अपनी कौम को समर्पित हूँ। और मैं ये समझता हूँ जब भी कभी सिक्खी की लोड़ पई है, मैंने सब कुछ तो अपना दाव पे लगाकर अपनी कौम की सेवा की है। उसके बावजूद भी ऐसे लोग अगर ये बात कहें तो मुझे बहुत ठेस लगी है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पार्टी हाईकमान के आगे ये मांग की कि मैं ये जो आपने टिकट दी है मेरा मान बढ़ाया, लेकिन मैं ये विड्रॉ करता हूँ। और ये बात मैंने बड़े दुखी हृदय से कही है। टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए आप सोचते हैं कई पार्टियां तो बहुत बहुत पैसे भी लेती हैं, बहुत उनकी मेहनत भी लगती है, कई वर्करों की सारी उम्र लग जाती, उनको टिकट ही नहीं मिलती है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये टिकट मिली है। आप कहेंगे ये टिकट जो है माननीय नड्डा जी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे ये टिकट दी है, और ये टिकट मैं कभी भी अकेला भी जाकर अगर मैं भर दूँ तो दोबारा कोई दूसरा इस कमल के निशान पर दूसरा नहीं भर सकता। अगर मैं इसको भरा हूँ अभी जाकर तो दोबारा कोई भी नहीं भर सकता, ये आपको भी शायद पता होगा, क्योंकि पार्टी से अधिकृत है। अगर मैं अभी भी जाके इसको भर दूं तो उसके बाद किसी के पास कोई च्वाइस नहीं रहती है। लेकिन मैं पार्टी लाइन से और अपनी सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता नहीं करता।